जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं जीतिया व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं व्रत पूजा में कौन सी लगेगी सामग्री। मंत्र: इस व्रत में भगवान जीवित वाहन गाय के गोबर से चिलचियारिन की पूजा का विधान है। जीवित पुत्रिका व्रत में खड़े अक्षत, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुसा से बनी जीवित वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजा में जरूरी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु और सुखी निरोग जीवन की कामना के साथ किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं जीतिया व्रत पूजा विधि। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा करें। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरे दिन तक वो कुछ भी नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत त्योहार के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी की साग खाया जाता है। आइए सुनते हैं जीतिया व्रत का महत्व। जीवित पुत्र का व्रत का संबंध महाभारत काल से है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं, उनकी संतान को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। संतान की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए ये बहुत लाभकारी माना जाता है। जीतिया व्रत पूजा विधि: सुबह स्नान करने के बाद व्रती प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लें। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें, फिर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल डालकर खड़ा कर दें। अब शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। इसके बाद उन्हें दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल तथा पीली रुई से सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं। मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करें। इसके बाद व्रत कथा सुनें।